मारुति सुजुकी इको फ्रेंड्स, और इस गाड़ी के अंदर दिक्कत ये है कि गाड़ी की जब चलाते हैं तो जो पिकअप होना चाहिए वो नहीं है, और गाड़ी 20-30 के ऊपर जाती नहीं है, फर्स्ट सेकंड गियर में चलती है, और थर्ड और फोर्थ गियर की जो पिकअप है वो नहीं चाहिए, वो होती ही नहीं है। तो अभी इस गाड़ी के अंदर हम सेल्फ लगा के स्टार्ट करके आपको दिखा दें कि ज़्यादातर इस गाड़ी के अंदर ये दिक्कतें आती है। आप इसका नॉइज़ सुन सकते हो, खड़ी गाड़ी भी पूरा रेस नहीं ले रही है और CNG में चलती भी नहीं है। CNG किया है अभी, तो आप देख सकते हैं अजीब तरीके का नॉइस आ रहा है और गाड़ी बंद हो जा रही है खड़ी खड़ी आइडलिंग में भी। नॉइस सुनिए आप, जो इनलेट से होना चाहिए वो, जो गाड़ी स्टार्ट करते थे जो फायरिंग होता है उसका, और एक यहाँ से आवाज़ आता है इनलेट की ओर से, वो आप देख सकते हो आवाज़ उसका थोड़ा अलग तरीके का है। और गैस में गाड़ी चलती नहीं है, पेट्रोल में थोड़ा सा भी चलती है। तो इसका जो मेन रीज़न है, मेरे पास ये दूसरी तीसरी इको आई है तो आपको मैं दिखाता हूँ। गाड़ी स्टार्ट करो, गाड़ी स्टार्ट है और उसका एग्जस्ट साइलेंसर वहाँ पर देखते हैं, तो यहीं से जो एयर निकलना चाहिए वो निकलता ही नहीं है। मैं अपना फिंगर रखता हूँ हाथ यहाँ पे, तो हमको मालूम हो रहा है यहाँ से जो एयर निकलना चाहिए वो एग्जस्ट होता ही नहीं है। तो क्या होता है फ्रेंड्स, ज़्यादातर इको गाड़ी का जो साइलेंसर चोरी होता है या मिट्टी निकाल लेते हैं जो लोग, तो मिट्टी निकालने के बाद, साइलेंसर खोलने के बाद इसके अंदर जो मिट्टी निकाल लेते हैं उसका जो एस्बेस्टोस रह जाता है भूसा, वो साइलेंसर की ओर फंस जाता है, वो सही तरीके से निकालते नहीं है। तो गाड़ी के अंदर जो एग्जस्ट होना चाहिए वो होता नहीं है, तो इनलेट एयर अंदर एंटर नहीं होगा। जब तक एग्जस्ट में धुआं नहीं निकलेगा पीछे की ओर, तो नया एयर अंदर इनलेट नहीं होगा। तो ये प्रॉब्लम ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। तो मैं साइलेंसर खोलने वाला उसका और आपको दिखाता हूँ। फ्रेंड्स, मैंने पीछे का पाइप है वो खोल दिया है, उसका 14 का दो दो बोल्ट रहते हैं वो मैंने खोल दिया है। आप देख सकते हो यहाँ पे जो भूसा लगा हुआ है, वीडियो को पॉज करते हैं, आप देख सकते हो फ्रेंड्स जो ये भूसा है पूरा जाम हो चुका है साइलेंसर, तो पीछे की ओर एयर निकलता ही नहीं है। तो ये साइलेंसर है, तो ये एग्जस्ट पाइप में से जो साइलेंसर से जो धुआं निकलता है फ्रेंड्स, वो पीछे की ओर निकलता ही नहीं है। तो गाड़ी रेस कैसे लेगी, क्योंकि जब भी पेट्रोल या गैस को फायर होने के लिए ऑक्सीजन यानी कि एयर की ज़रूरत रहती है, लेकिन वो निकलता नहीं है तो अंदर एंटर भी नहीं होता है, तो गाड़ी चलती नहीं है, दबके चलती है। और ऐसा मेरे साथ चौथी या पाँचवीं बार इको में हुआ है, तो इस बार भी मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपकी गाड़ी के अंदर ऐसा होता है तो आप चेक कर सकते हो। और ज़्यादातर जिस गाड़ी के अंदर कैटलिक नहीं है, आप नॉइज़ सुन सकते हो, ये खाली है, अगर कैटलिक रहेगा तो भरासा आवाज़ आएगा, ये घंटी जैसा नहीं बजेगा। अगर आपको गाड़ी के अंदर ऐसा होता है और आप खाली कैटलिक कन्वर्टर है, तो आप इसके अंदर इस तरीके से चेक कर सकते हो कि आपकी गाड़ी के अंदर ये भूसा तो भर नहीं गया है ना। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले साइलेंसर खोल को ये भूसा निकालेंगे और गाड़ी को अब करते स्टार्ट, देखते हैं। ये फ्रंट वाला पाइप है, आगे वाला, तो इसके अंदर भी आप देख सकते हो ये पूरा डट्टा लगाया हुआ है जो मैंने खोल दिया है। और ये दूसरा पाइप है, इसके अंदर भी डट्टा लगा हुआ है। तो फ्रेंड्स, ये भरा हुआ था, आप देख सकते हो जो कैटलिक कन्वर्टर रहता है उसके आसपास में या इसके बीच में कैटलिक कन्वर्टर रहता है और इसके पास में ये लगाया रह जाता है फ्रेंड्स। तो एस्बेस्टोस का भूसा बोलते हैं इसे। और ये आगे की ओर जो कोठी रहती है साइलेंसर की, जो कैटलिक लगा रहता है यहाँ पे इस जगह पे, वहाँ से निकल के पीछे की ओर आ गया एयर की वजह से, और यहाँ पे जो उसका जॉइंट रहता है वहाँ पे जाम हो चुका था, आपने देखा इस तरीके के। तो जो एग्जस्ट होना चाहिए, जो धुआं निकलना चाहिए वो नहीं निकलता था, इसकी वजह से इनलेट के अंदर गैस और एयर भी नहीं जा पाती थी, तो गाड़ी पिकअप और आइडलिंग में खड़ी खड़ी बंद हो जाती थी। तो ये कॉमन प्रॉब्लम है इको के अंदर, अगर ऐसा होता है आपके साथ, कैटलिक कन्वर्टर नहीं है तो आप चेक करोगे, हो जाएगा। अब गाड़ी को करते स्टार्ट। तो फ्रेंड, गाड़ी को करते स्टार्ट, आप देख
देख सकते हो उसका साउंड, साइलेंसर खुला हुआ है इसलिए। तो फ्रेंड्स ये अभी गाड़ी पेट्रोल में स्टार्ट किया हुआ है और आइडलिंग में अभी बंद हो जा रहा है, तो थोड़ा सा और चेक करने वाले हैं, लेकिन जो एक्सेलेटर नहीं लेती थी वो हो चुकी है कंप्लीट। तो साइलेंसर के अंदर कचरा नहीं है फ्रेंड्स, निकाल लिया है। रेस दे गाड़ी को। अब देख सकते हो फ्रेंड्स यहाँ पे साइलेंसर से जो पहले एयर नहीं निकल रहा था वो एयर निकल रहा है अभी कंप्लीट, और कचरा भी निकल रहा है साथ साथ में। दे हाल हाल, तो ये पूरा उसके अंदर से निकला हुआ है। अभी परफेक्ट फ्रेंड्स, ये कचरा इसके अंदर से निकला हुआ है यहाँ से, आप देख सकते हो अभी। तो गाड़ी ओके एकदम। और पहले यहाँ से जो आवाज आ रहा था, जो एयर इनलेट नहीं हो पा रही थी, उसका जब एक्सेलेटर करते हैं तब उसका नॉइस आ रहा है, तब वो अभी चेंज हो चुका है, आप आवाज देख सकते हो। गाड़ी एकदम साइलेंट और परफेक्ट हो चुकी है, पहले थोड़ा सा नॉइस आ रहा था इनलेट के अंदर। गाड़ी सीएनजी में फ्रेंड्स हल्का सा ट्यूनिंग करने के बाद ओके हो चुकी है, गाड़ी स्टार्ट है, आप देख सकते हो परफेक्ट। और ये साइलेंसर में जाम हो चुका था जो कचरा था, वो एस्मेटोस का कैटलिक कन्वर्टर का, उसकी वजह से ही प्रॉब्लम हुआ था गाड़ी के अंदर। और अब आप एक्सेलेटर देने पे जो नॉइस है वो चेक कर सकते, सुन सकते हो, और पहले का सुन सकते हो कितना डिफरेंट है। पहले एयर इनलेट ही नहीं हो पा रही थी क्योंकि एग्जस्ट में से धुआं निकलता ही नहीं था। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऐसे वीडियो देखने के लिए मेरे मोटर चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें।